मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू। जेसी केमिस्ट्री क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम अपने सब्जेक्ट से हटकर एक दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है आज के प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप आज के इस क्लास को, इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए और ध्यान समझने की कोशिश कीजिए और इसको अपने लाइफ में भी अप्लाई कीजिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि इन दिनों कोरोना का समय चल रहा है। ये जो कोरोना का टाइम है, ये जो लॉकडाउन का समय है, हम सभी की लाइफ के लिए काफ़ी पैनिकफुल, काफ़ी स्ट्रेसफुल बना हुआ है। अगर हम स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो ये और ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, और ही ज़्यादा पैनिकफुल है। तो हम इस कोरोना टाइम में, इतनी बाधायुक्त टाइम में, इतने स्ट्रेसफुल टाइम में अपने आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा तो इस सिचुएशन पे यही कहना है कि अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अगर किसी स्टूडेंट को ये पता है कि उसकी जो मंजिल है या फिर उसकी जो सफलता है वो इन्हीं किताबों से होकर गुजरता है, उसकी मंजिल की रास्ता इन्हीं किताबों के रास्ते से होकर जाएगा, जिसको पता है कि यहीं से नॉलेज प्राप्त करके, यहीं से पढ़ के वो आगे चल के सक्सेस हो सकता है, दूसरों से आगे जा सकता है, अपनी लाइफ में अपनी गोल अचीवमेंट कर सकता है। तो डेफिनेटली उसके लिए ये जो सिचुएशन चल रही है वो कोई मायने नहीं रखता है। उसे पढ़ने से, उसे नॉलेज प्राप्त करने से ये सिचुएशन रोक ही नहीं सकती। वो कहते हैं ना, अगर किसी पढ़ने वाले स्टूडेंट को हम चाहे घर में छोड़ दे, चाहे स्कूल में छोड़ दे, चाहे लोगों की भीड़ में छोड़ दे, वो अपने पढ़ने के लिए, अपने सीखने के लिए कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर निकाल ही लेता है। इस प्रेजेंट सिचुएशन के लिए मैं तो एक बात कहूँगा कि इस प्रेजेंट सिचुएशन को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यूटिलाइज करें। यूटिलाइज क्यों करें, किस लिए करें? अपने पढ़ने के लिए, कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए। ठीक है, पहले क्या होता था, हमें कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए पर्टिकुलर टाइम नहीं मिलता था, तो अभी सफिशियंट टाइम है आपके पास। इस टाइम का कुछ ऐसे काम में यूज कीजिए, अपने पढ़ने में तो कीजिए, साथ में कुछ ऐसी चीज़ों को सीखने में, कुछ ऐसी चीज़ों को करने में इस समय को व्यतीत कीजिए जो आगे चल को आगे चलकर आपको काम आएगा, या कुछ आपके एक्स्ट्रा नॉलेज में वो क्या होगा, काउंट होगा। इस टाइम को आप जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके अपने आप को उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट, उतना ज़्यादा पावरफुल, उतने ही ज़्यादा हेल्दी बनाने में यूज कीजिए। अभी तो आप घर में अकेले हैं, ठीक है, अभी आप घर में अकेले हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब ये सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आपका स्कूल, कॉलेज, हर चीज़ खुल जाएगा, पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तो आपको इस दुनिया से क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। इस दुनिया से आगे निकलने के लिए अपने सहपाठी से अपने साथ कंपटीशन करने वालों से आगे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। और इस कंपटीशन में वही जीतेगा, वही आगे निकलेगा, वही सक्सेस होगा जिसने इस पूरे लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी समझा, एक पूरी अपॉर्चुनिटी की तरह इस पूरे टाइम का क्या किया, सही सदुपयोग किया, अच्छा यूटिलाइज किया पूरे टाइम को, अपने पढ़ने के लिए, अपने सीखने के लिए, या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए। ये जो टाइम है, वास्तव में ये जो टाइम है एक टर्निंग टाइम है,
टर्निंग टाइम यही जो टाइम है ये आगे चल के डिसाइड करेगा कि कौन सा स्टूडेंट आगे निकल जा रहा है या कौन सा स्टूडेंट पीछे छूट जा रहा है। तो ये जो लॉकडाउन का समय है यही आपको आगे चल के या तो इंटेलिजेंट बनाएगा या फिर डल बनाएगा, या तो आपको ऊपर ले जाएगा या फिर आपको पीछे ही छोड़ देगा। तो स्टूडेंट ये जो टर्निंग टाइम है, ये जो अपॉर्चुनिटी टाइम है, इसको आप वेस्ट ना करें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने पढ़ने में, नॉलेज गेन करने में, एक्स्ट्रा कुछ करने में सिखाइए, वे एक्स्ट्रा कुछ करने में उसका यूज कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है, दूसरों से बेहतर करना है, दूसरों से ऊपर रहना है, तो दूसरों से कुछ एक्स्ट्रा आपको करना ही पड़ेगा, दूसरों से कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा, दूसरों से बेहतर करना पड़ेगा। और दूसरों से बेहतर करने के लिए आपको दूसरों से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तभी आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। अब क्या है, ये जो पर्टिकुलर टाइम में जो अच्छे स्टूडेंट है या जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो तो इस टाइम को अच्छे से अपने पढ़ने में यूटिलाइज करें। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे कई स्टूडेंट से बात होता है, उनका यही कहना है कि सब कुछ जब नॉर्मल हो जाएगा, जब हमारा स्कूल कॉलेज खुल जाएगा, या सब जब पर्टिकुलर जब सब कुछ नॉर्मल आ जाएगा, तब हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अब सोचिए ये जो सिचुएशन है, अभी ये हम कह ही नहीं सकते कि कब सब कुछ हमारा जो लाइफ स्टाइल है नॉर्मल हो सकता है। अब कोई स्टूडेंट 3 महीने से पढ़ रहा है और कोई स्टूडेंट वेट कर रहा है, तो आप सोचिए आप उन स्टूडेंट से कितने पीछे हो जाएंगे, और वो जो आपको कंपटीशन देने वाले हैं आपसे कितने आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो समय है ये काफी यूजफुल और काफी गोल्डन टाइम है आपके लिए। अब ये आप ही के ऊपर, मैं तो कहूंगा ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इस टाइम का आप या तो उसको गोल्ड की तरह यूज करते हो या फिर उसको यूजलेस बना देते हो। ये जो टाइम है ये अब आप ही को ये डिसाइड करना है कि इस टाइम को आप या तो सो कर बिताना चाहते हो या फिर कुछ सीख कर, कुछ गेन कर। ठीक है, अब देखिए मेरा तो यही मानना है, ये मेरा पर्सनल थॉट यही है, जिंदगी में हम सभी की जिंदगी में सफल होने के लिए मैं केवल ये तीन चीजों पर ही फोकस करता हूँ, और वो तीन चीज है मेहनत और सिर्फ मेहनत। अगर आपको किसी चीज को करने की इच्छा है, कुछ सीखने की इच्छा है, तो आपकी जिंदगी में आने वाली कोई भी बाधाएं आपको उसको सीखने से, पढ़ने से, करने से नहीं रोक सकती। तो ये और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच को दिखाती है कि हम ये जो हमारा अभी जो समय चल रहा है, जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, जो कोरोना 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 का जो समय चल रहा है, इस पूरे समय का हम कैसे यूज करते हैं, हम अपनी लाइफ को कैसे डायरेक्शन देते हैं। ये देखिए, ये पूरा जो समय है ये आगे चल के हमारे लाइफ को डायरेक्शन देगा कि कौन आगे जा रहा है या कौन पीछे जा रहा है। पूरे जो स्टूडेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं, कई लोग आगे निकल जाएंगे तो कई बहुत लोग क्या हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। अब आप लोगों को ही डिसाइड करना है कि आप आगे वाले लाइन में जाना चाहते हैं या पीछे वाले स्टूडेंट के साथ रहना चाहते हैं। तो आप जैसे मैंने बोला कि मेहनत मेहनत और मेहनत, सफल होने के लिए केवल जरूरी है मेहनत मेहनत और मेहनत। याद रखें, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आपको अपने जो समय है उसी को यूज करके, क्योंकि समय तो सबके लिए
इक्वल मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। अब इसी समय को कोई यूज करके आगे निकल जाता है तो कोई पीछे ही छूट जाता है। जिंदगी में हर स्टूडेंट चाहता है सफल होना, चाहता है हर विद्यार्थी सफलता, लेकिन मेहनत करना कोई नहीं चाहता। मेहनत से हर कोई जी चुराता है, मेहनत करना कोई नहीं चाहता, लेकिन ये जो मेहनत है या जो लेकिन ये जो सफलता है, ये जो सक्सेस है, वो ऐसे नहीं मिलता। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, हमको त्याग करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और याद रखिएगा, जितना बड़ा सेक्रीफाइस करेंगे अपनी लाइफ में, हमें उतने ही बड़ा सफलता मिलेगा, उतने ही बड़ा हम क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, सक्सेस होंगे। जितने भी महापुरुष देखे हम लोग, जितने भी बड़े बड़े आदमी जिनकी जीवनी के बारे में हम पढ़ते हैं लाइफ में, देखिएगा जो जितना ज़्यादा सक्सेस हुए हैं उनकी लाइफ में उतने ही ज़्यादा बाधाएं आई है, उन्हें उतने ही ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, तब आगे चल के अपनी लाइफ में उतने ही ज़्यादा क्या हुए हैं, वो सक्सेस हुए हैं। अच्छा, मैं आज आप लोगों को एक ऐसे ही महापुरुष, एक ऐसे ही महान वैज्ञानिक जिसकी लाइफ, जिसकी जीवनी, जिसकी बातें, जिसकी जो मोटिवेशनल बात, जिसकी मोटिवेशनल काम मुझे मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, इनकी लाइफ से मैंने बहुत कुछ सीखा और साथ ही अपने लाइफ में अप्लाई किया। आज मैं आपको यही चीज़ दिखा, यही इनकी जीवनी से रिलेटेड या इनके कुछ कथन, इनके कुछ बातें, कुछ मोटिवेशनल स्पीच, कुछ मोटिवेशनल बातें दिखाऊंगा और मैं चाहूंगा आप इसको जरूर अच्छे से देखें और इसको अपनी जो सोच है उसको चेंज करें। देखिए, अभी भी बहुत ज़्यादा समय, अभी भी हम ये कन्फर्म नहीं कर सकते कि ये जो समय है कोरोना समय कब तक चलते रहेगा। तो अभी कई स्टूडेंट जो पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं पर्टिकुलर अच्छे से, ठीक है, वो क्या करें, इस टाइम को अब यूटिलाइज करना शुरू कर दें। क्योंकि मैंने अभी बोला किसी टाइम में कई स्टूडेंट आगे निकल जाएंगे तो कई स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। तो मैं वो जो महान वैज्ञानिक है उनके कुछ स्टेटमेंट दिखाऊंगा, आप उसे ध्यान से देखें और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैं ये जो क्लिप है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर बोलूंगा लास्ट में, याद रखना आप सभी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में जो आपके द्वारा मेहनत करना बाकी है वही आप सभी की सफलता की चाबी है। जिंदगी में मेहनत करना जो बाकी है वही आपकी सफलता की चाबी है। तो देखिए वीडियो। सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एक अच्छी किताब 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें बदल सकते हैं। यकीन मानिए, आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। अपनी पहली सफलता के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हुए तो बहुत से लोग कहने से नहीं चूकेंगे कि आपकी सफलता एक तुक्का थी। जब हमारे दस्तखत ऑटोग्राफ में बदल जाएं तो ये सफलता की निशानी है। सफलता से ज्यादा असफलता की कहानियां पढ़ो, उनसे आपको सफल होने के विचार मिलेंगे।
शिखर पर पहुंचने के लिए सामर्थ्य चाहिए, फिर वो चाहे माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके करियर का।